ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਝਾਂਜਰ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੋ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਰਲਡ ਤੋਂ आलिया भट्ट तो बाद नीतू कपूर ने खरीदया करोड़ों का घर। मरहूम अभिनेता रिशि कपूर की पत्नी और अदाकारा नीतू कपूर अक्सर किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहती है। हाल ही में नीतू ने एक आलीशान घर खरीदया है जिसनों लैके वह फिर तो सुर्खियों में आ गई है। यह अपार्टमेंट बांद्रा कुरला कंपलैक्स के सनटेक रियल्टी के सत्तवीं मंजिल से सॉफ्टहिल होटल के बिल्कुल सामने स्थित है। नीतू कपूर के नवे घर की कीमत 17.40 करोड़ रुपए है जो 3387 वर्ग फुट में फैलिया है। रजिस्ट्रेशन दस्तावेज अनुसार नीतू ने 1.4 करोड़ रुपए में स्टैंप ड्यूटी अदा की 10 मई को फ्लैट अपने नाम कर लिया। अदाकारा के इस अपार्टमेंट में कई सहूलत मौजूद हैं जो घर को बहुत खास बनाउंदियां हैं। इस अपार्टमेंट में 5 बैडरूम हैं। इस तो इलावा तापमान नियंत्रण विकल्प के नाल एक वड्डा इनडोर पूल उपलब्ध है। तंदुरुस्ती और खेडों के लिए अपार्टमेंट में एक जिम और वर्चुअल गोल्फ भी है। अदाकारा के अपार्टमेंट में एक विशाल लिविंग रूम है जिस डाइनिंग रूम बैडरूम और होर बहुत कुछ है। इस इलावा इस विच 3 कार पार्किंग खेत्र भी हैं। नीतू कपूर की नूँह आलिया भट्ट ने बांद्रा विच 37 करोड़ रुपए का एक नवा फ्लैट खरीदया है। इन्हां रिपोर्टां विच ये भी दस्या गया सी कि उसने अपनी भैन शाहीन भट्ट नूँ 7.68 करोड़ रुपए के 2 फ्लैट भी गिफ्ट किए हैं। लो वधदे हाँ अगली खबर वल। फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के गीत जट्टी नूं मिलिया भरमा हुंगारा। पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 अपने टीजर के गीतों को लैके चर्चा का विषय बनी हुई है। जिथे लोगों वालों कैरी ऑन जट्टा 3 के टीजर नूं भरमा हुंगारा मिल रहा है उत्थे ही दर्शकों के उत्साह नूं होर वधाउंदिआं बीते दिनी फिल्म का तीजा गीत रिलीज़ किया गया जिसका नाँ जट्टी है। यह गीत गिप्पी गरेवाल ते एमी विर्क की आवाज़ में रिलीज़ होया है जिसनों लोगों वालों भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस गीत के बोल कंपोजिशन ते संगीत जानी वालों तैयार किया गया है। फिल्म ਹੈਬਬ ਸਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ। ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਟਾਈਗਰ 3 ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਡਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਟਾਈਗਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਟਾਈਗਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਟਾਈਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਟਾਈਗਰ 3 ਯਸ਼ਰਾਜ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਪਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ 5ਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਟਾਈਗਰ 3 ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਿਲੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।